ना हिंदू ना मुसलमान, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बात कीजिए। अच्छा, कहां पर ये हुआ था? एक मिनट, कहां पे गाली दी गई थी देश के पिता महात्मा गांधी को? कहां पर गाली दी गई थी? धर्म संवाद में दी गई थी ना? नहीं नहीं, तो धर्म का संवाद किसने रखा गया था? गीता महाभारत का ज्ञान देने के लिए, महात्मा गांधी को गाली देने के लिए, नथुराम गोडसे को ग्लोरीफाई करने के लिए, नथुराम गोडसे को नमन करने के लिए ज्ञान क्या दिया जा रहा है? नथुराम गोडसे जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, आप बोलिए नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, देश का सबसे पहला आतंकवादी था है रहेगा नथुराम गोडसे, जिसने हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी का कत्ल कर दिया और आज वहां पे जाके वो कर रहा है। अभी तो ओबीसी सबसे बड़ा आतंकवादी बन रहा है ना, जो यहां पे बैठे हुए भी अभी तो ओबीसी सबसे बड़ा आतंकवादी बन रहा है, हिंदुओं को धमका रहे हैं, सरेआम हिंदुओं को धमका रहे हैं, कैबिनेट मंत्री सबको हिंदुओं को धमका रहे हो, मामला डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं दोनों को रोक रही हूं, वहां पे कांग्रेस ने भेजा था, मैं दोनों को रोक रही हूं, महंत नवल किशोर जी, असदुद्दीन ओवैसी इस देश के एक सांसद हैं, माननीय हैं, आप इस बात की इज्जत कीजिए, उनको लोगों ने चुना है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको आतंकवादी नहीं कह सकते, मैं इसकी निंदा करती हूं। अब आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दो और खास मेरे तीन और खास मेहमान हैं। अभय दुबे जी मुझे ये बताइए, रायपुर में कालीचरण महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलता है, तीन दिन हो गए, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वहां अकोला में महाराष्ट्र का रहने वाला, वहां भी एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, वहां भी आपकी सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार किया? रूबिका लियाकत जी, पहले तो मैं बहुत साधुवाद आपको देता हूं और बिल्कुल ठीक व्याख्या आपने की कि हमको महाराज शब्द प्रयुक्त ही नहीं करना चाहिए। अगर वो सनातनियों की संगत में रहता तो ये आचरण उसका नहीं होता। और जहां तक आपने बात की तो वो संज्ञेय अपराध है, नॉन वेलेबल है वो धाराएं जो लगाई है, और वो किस प्रांत में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत में शरण मिली है ये भी हमारी जानकारी में, जल्दी गिरफ्तार होगा, याद रखिएगा। और ऐसी नजीर पेश करेंगे, ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि बापू के खिलाफ कोई फिर से दुस्साहस नहीं कर पाए। उस कालीचरण ने जिक्र किया सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह का, अरे कालीचरण क्या उम्र थी सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की? 1908 और 1907 में जन्मे थे तीनों, और गोडसे 1910 में जन्मा। किसको मारा गोडसे ने? एक सनातनी हिंदू को, साबरमती के संत की हत्या की, उसको वो जिन्ना दिखाई नहीं दिया जिसने बीज बोया था बंटवारे का, उसको वो फजलुल हक दिखाई नहीं दिया जिसने 23 मार्च 1940 को लाहौर में प्रस्ताव पड़ा अलग पाकिस्तान का, ये देखना नहीं चाहता था गोडसे। और गोडसे वो कहता है कि कालीचरण कह रहा है कि गांधी ने बचाने की भगत सिंह को कोशिश नहीं की, अरे गांधी को पढ़िए तो सही, चार बार लॉर्ड इरविन के पास गांधी जी गए व्यक्तिगत रूप से, ये कहा कि अभी अगर टाल नहीं सकते फांसी की, सुनिए ना रूबिका जी, ये संगम शरणम गच्छामि हुआ है, इसलिए उसको ये उसकी शे पर ये बात की गई है। और सुनिए, मैं आज चुनौती देता हूँ, सबसे पहले पंडित नेहरू को इन लोगों ने टारगेट किया, महात्मा गांधी अब है और तीसरा वल्लभ भाई पटेल है, संघ एचवी शेषाद्री संघ के दुर्भाग्य से अपने बंदूक कहते थे, अब निकालते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दुर्भाग्य से अपने आप बंदूक कहते थे, वो कहते हैं कि बंटवारे का खलनायक वल्लभ भाई पटेल था। वल्लभ भाई पटेल चिट्ठी लिखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि तुम जिनको छुड़ाने की बात करते हो वो लोग मेरी हत्या के लिए घूम रहे हैं। और अभय दुबे जी रुक जाइए, तीन और मेरे मेहमान और उसके बाद आप लोग बहस कर सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, शिवम त्यागी भी है, श्रीलाल नायर भी है, पर ये दोनों अपनी बात पूरी कर दें, महंत दूधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास भी हमारे साथ जुड़े, सर प्लीज एक सेकंड, नहीं मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा सब्र जरूरी है, थोड़ा सा सब्र जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता यहाँ पर है श्रीराज नायर, मुझे ये बताइए कि एक टाइम था, अभय जी प्लीज, एक टाइम था जब हम ये कहते थे कि ये जो पार्टीशन हुआ है ये बस हो गया है, अब और दिलों में इस तरीके का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। कालीचरण पर श्रीराज नायर का क्या रुख है, विश्व हिंदू परिषद का क्या रुख है महात्मा गांधी के उन बयानों को लेकर? देखिए रूबिका जी, भारत एक महान लोकतंत्र है, यहाँ पे न्याय व्यवस्था बहुत मानी जाती है, ये वो भूमि है जहाँ कसाब को भी ट्रायल का मौका मिला, हमने देखा कसाब ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया परंतु उसके बाद भी उसको ट्रायल का मौका मिला।
अब कालीचरण महाराज जी ने जो बोला अब उसके बारे में सबने देखा है, कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगी। परंतु रूबिका जी इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, शुरुआत कहां से होती है? ये शुरुआत होती है हैदराबाद से, जब अकबरुद्दीन ओवैसी मंच पर खड़ा होकर लक्ष्मी महालक्ष्मी दुर्गा देवियों और हिंदू देवी देवताओं को गलिया गाली देता है, जब ये बोलता है कि 15 मिनट पुलिस हटा दो और ये वारिस पठान साहब यहाँ बैठे, इन्होंने भी इधर बैठ के बोली झूठ नहीं बोला, सच बात करो, के हृदय में धर्म सांसद हो जाता है, मुसलमानों के सरकार की बात करते हो, शर्म नहीं आती है मुसलमानों के? अरे तुमको बच्चों के हाथ में कलम देना चाहिए, उसकी बजाय बच्चों को बोलते हो कलम छोड़ दो, तलवार उठाओ, नरसंहार करो, उसको आप कंडेम करना चाहिए, यहाँ बैठ के आप उसकी ताइद कर रहे हो बैठ के? चुप रहे, आप क्या बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा था। तो ये सारी सब बोल रहे थे, जब शुरुआत है लगातार हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, जिस प्रकार से जेल में डालो, मठ में चले जाएंगे, और जो छत्तीसगढ़ में पहाड़ों में चले जाएंगे, हरिद्वार में बोला उसको भी जेल में डालो, पहले सबको जेल में डालो, चल रही है का नतीजा है कि इस प्रकार का माहौल खराब कर लो, सेक्युलरिज्म का नष्ट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। और रही बात, जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में जो भी कहा है अभी संज्ञान ले, मैंने कहा ट्रायल, ये मीडिया ट्रायल नहीं चलाना चाहिए, जब जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया के बारे में क्या सही बात है, उस पे एफआईआर हुआ, मुसलमानों के नरसंहार की बात किया है, उसके बारे में आपका क्या बोलना है? यूएपीए लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? अरे आप छोटा सा एक पत्रकार लिख देता है तो उसको यूएपीए लगा के जेल में डाल देते हो, और यह नरसंहार की बातें हो रही है, जेनोसाइड की बात हो रही है, महात्मा गांधी को जिसने मारा रतुरा मोर्चे, इन सवालों में दम तो है, सबसे बड़ा आतंकवादी था, इसका जवाब चाहिए, शिवम त्यागी जवाब दीजिए, वारिस पठान आप रुकिए, पहले मौका दे दीजिए। मुझे लगता है कि मैं इसको बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं बनाऊंगा, और मुझे लगता है महात्मा गांधी और जहां तक बात ओवैसी को बीच में लाया जा रहा है उनकी कोई बराबरी और समानता है नहीं, ओवैसी जी का अपना एक सम्मान हो सकता है लेकिन महात्मा गांधी कहीं एक बहुत बड़े आदमी है। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है, इस देश को मुझे आपको और पैनल पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं इन सबको आजाद कराने में इस देश के एक एक व्यक्ति जिसका भी हाथ है, और अगर उसका कोई अपमान करे तो मैं कहता हूं उसके साथ जितना बुरा से बुरा व्यवहार हो करना चाहिए कानून के तहत। मेरा मानना है कि भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और खास तौर पर जब बात महात्मा गांधी की हो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन परेशानी इतनी सी नहीं है। अभय दुबे जी ने बहुत लंबा चौड़ा इतिहास बना दिया, इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करना, लज्जित करना, उनको गालियां देना, ट्विटर पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाना, और 10-10 लाख लोगों में बैठकर इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को गालियां देना और यह कहना कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है, क्या वीर सावरकर जी ने इस देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? क्या उन्होंने इस देश की आजादी में अपना योगदान नहीं दिया? क्या उनको 2 बार काला पानी की सजा नहीं हुई? क्या 1913 में उनके पास खुद महात्मा गांधी मिलने नहीं गए थे इस बात के लिए कि आइए मेरा साथ दीजिए? क्या उनको अंग्रेजों ने प्रताड़ना नहीं की? लेकिन जब उनके महंत राम सुंदर दास जी जवाब देंगे इसका। महंत जी, जी ये तो मौजूद थे वहां। जी मैम। महंत जी, आपने सुना शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि हमें इस देश के सारे स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करनी होगी। मैं फिर कह रही हूं, मैं धन्य हूं कि आज आप मेरे इस पैनल में हैं सर। मैं जब उस वीडियो को देख रही थी मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, किससे आपका वास्ता है नहीं है, लेकिन आपने सनातन धर्म की असलियत को वहां पर रखा और इसीलिए आज आप इस पैनल में हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यवती मानती हूं। मुझे ये बताइए जो शिवम त्यागी पूछ रहे हैं। रूबिका जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। शिवम त्यागी ये पूछ रहे हैं कि महात्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, महात्मा गांधी जिस तरीके से देश के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे थे, वैसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमें सबका मान और सम्मान करना चाहिए, आप इससे अग्री करते हैं? निश्चित रूप से, जो भी हमारे महापुरुष हैं उन सबका सम्मान होनी चाहिए, और किसी भी महापुरुष के विरुद्ध में कभी भी कोई अशोभनीय बातें नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब चीज न्यौछावर किया, और ऐसे महात्मा गांधी के विरुद्ध में जो बात रायपुर के धर्म संसद से कही गई, इनकी जितने भी हम आलोचना करें, जितना भी हम इनका निंदा करें, वह कम ही है। और दुख इस बात का है कि संत के लिबास में, संत के वेशभूषा में आकर के कालीचरण जी जिस प्रकार से यहाँ महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके विरुद्ध में जो कुछ भी कहा,
वह तो बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। और इसीलिए मैं उस मंच पर बैठा था, उस धर्म मंच पर बैठा था, और इसीलिए मैंने जब मेरा नंबर आया, जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने इसका पुरजोर विरोध किया। और वहाँ जो दर्शक बैठे थे उनसे भी मैंने पूछा कि उस समय तो आपने खूब ताली बजाया, आखिर इसका क्या कारण है? तो दर्शक जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जो कल किया, उसके बाद फिर आपने जो कल किया उसके लिए देश आपको आपको हमेशा सम्मान की नजर से देखेगा, लेकिन ये इतना सेलेक्टिव आउटरेज क्यों? ये आपके लिए नहीं है, मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ। क्या इस देश की आजादी में सिर्फ महात्मा गांधी अकेले लड़े थे? क्या इस देश की आजादी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी, तमाम लोग नहीं लड़े थे? क्या वीर सावरकर नहीं लड़े थे? क्या टीवी पर बैठकर जिस तरह से वीर सावरकर का अपमान होता है और अभी भी ऊपर वाले विंडो में बैठकर अभय दुबे हंस रहे हैं, क्या ये अपमान नहीं है? क्या उनका उन्होंने इस देश के लिए कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा गांधी ने उनके लिए डाक टिकट नहीं निकाला था? क्या नहीं कहा था कि वो इस देश के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं? क्या वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था उनके लिए, अभय दुबे नहीं जानते? क्या राजीव गांधी ने उनके लिए क्या कहा था, नहीं जानते? और किस तरीके से गालियां देते हैं? मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूं। मेरे लिए मानना है सब बराबर है ना? मैं राम सुंदर दास जी, जवाब आपसे भी, अभय दुबे जी जवाब आपसे भी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।